अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है और आपके एंड्रॉयड मोबाइल का जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से स्लो है, बीच बीच में हैंग करता है, बीच बीच में लैग्स करता है, एप्लीकेशन यहाँ पे क्विकली रिस्पॉन्स देके ओपन नहीं होता है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपके एंड्रॉयड मोबाइल का जो स्पीड अप है वो पूरी तरीके से लो है और आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के स्पीड अप को बूस्ट अप देना चाहते हैं और पूरी तरीके से इसमें एक स्पीड अप देना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ 3 सेटिंग्स बताऊँगा जिसको अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में आपको एक स्टेबल वे में स्पीड अप मिलेगी। यस, और ये तीनों भी जो स्टेप्स बताऊंगा ये एकदम जेन्युइन और एक लेजिट वे है जिसके बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है ये, जिसको अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपके एंड्रॉयड मोबाइल में क्विकली आपको एक गुड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट जो सेटिंग है जिसमें आपको चेंजेस करने हैं वो है यहाँ पर जो अननेसेसरी एप्लीकेशंस हैं उन सबको डिलीट करना है और जो सिस्टम एप्लीकेशन है उन्हें डिसेबल करना। देखिए, जब भी कोई आप एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं तो आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ऐसे कई सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो एक सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं जो आपके किसी भी काम के नहीं होते, राइट? लेकिन फिर भी वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में पड़े पड़े आपके रैम को कंज्यूम करते हैं और इवन आपके बैटरी को भी कंज्यूम करते हैं। तो यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ ऐसे एप्लीकेशन को भी अलग से इंस्टॉल कर देते हैं जो आपके किसी भी काम के नहीं है। तो सबसे पहला तो काम आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे जितने भी सारे अननेसेसरी एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें आपको डिलीट करना होगा और जो सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं जो डिलीट नहीं होते हैं वो एप्लीकेशन को आपको यहाँ से डिसेबल करना होगा या तो फोर्स स्टॉप करना होगा। बिकॉज एंड्रॉयड मोबाइल में जितनी कम एप्लीकेशन होगी उतना एप्लीकेशन आपके कम उतना जो रैम है वो आपका कम कंज्यूम होगा और जितना रैम कंज्यूम होगा उतना मोबाइल का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर रहेगा, स्टेबल रहेगा। देखिए, सीरीज से बात है, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मोबाइल का जो परफॉर्मेंस है वो आपके रैम पर ही डिपेंड करता है। बिकॉज जितना कम रैम यहाँ पे कंज्यूम होगा उतना बेटर आपके एंड्रॉयड मोबाइल का परफॉर्मेंस होगा और ये नॉर्मल सी बात है जो हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जिसको लोग छोटी से छोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं और अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कई सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रख लेते हैं जिसमें से आधे से 50% to 60% एप्लीकेशन किसी काम के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको अप्लाई करना है। सेकंड आपको यहाँ पे है जिसमें आपको बहुत ही मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे वो है आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशंस होते हैं उनके कैश मेमोरीज़ को डिलीट करना। कैश मेमोरी ज़्यादा कुछ नहीं होती है कि जब भी कोई आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं चाहे वो शॉपिंग एप्लीकेशन हो या कोई नॉर्मल से सर्वे वाले एप्लीकेशन हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, तो जब भी आप कुछ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं थोड़ा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके एंड्रॉयड मोबाइल में उन एप्लीकेशन के जब आप पर्सनली जाके चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन में एक कैश मेमोरी देखेंगी जो वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं स्टोरेज वाले ऑप्शन पर जाऊँगा तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपको कैश को क्लियर करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप नीचे कैश का जो मेमोरी देते वो तो यहाँ पे अभी आपको 16 KB दिखाएगा बिकॉज यहाँ पे मैंने इस कैश को यहाँ पे क्लियर किया था। तो अगर आप यहाँ पे अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जितने सारे जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल्ड किए हैं चाहे वो सिस्टम एप्लीकेशन हो या तो कोई भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन हो, तो वो सारे एप्लीकेशन पर आपको पर्सनली 1 by 1 जाना है और उन एप्लीकेशन के जो कैश मेमोरीज होती है उन कैश मेमोरीज को आपको यहाँ से क्लियर करना होगा सिंपली क्लियर कैश पे क्लिक करके। और ये जो प्रोसेस ही आपको वन टाइम नहीं करना है, यानी कि आपको वीक में एक बार करना है और मंथ में 4 बार, यानी कि ओवरऑल आपको एक वीक में एक बार ये पूरे एप्लीकेशन की जो कैश मेमोरी होती है उन्हें आपको इसी तरीके से इरेस्ट करना है। बिकॉज यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिकली कम्प्लीटली वेस्टेड मेमोरी यूज़ हो रहा है और जितना ज़्यादा एप्लीकेशन वो डेटा स्टोर करेगी उतना ज़्यादा आपका रैम यहाँ पर कंज्यूम होगा। तो सीरीज से बात है, इससे आपके मोबाइल की स्पीड अप भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह जो सेटिंग है जिसमें आपको बहुत ही बड़ा मेजर चेंजेस करना है, ये एक ही सेटिंग है लेकिन ये एक छोटा सा सेटिंग है जो आपको हमेशा चेंज करते रहना है, यानी कि हमने हमेशा नहीं, ये एक वन टाइम ही है। अब वो थर्ड सेटिंग क्या है जिसमें आपको चेंजेस करने हैं, इस थर्ड सेटिंग को फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर विज़िट करना होगा।
तो गूगल प्ले स्टोर पर जब भी आप विज़िट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो स्क्रॉल लेफ्ट टॉप में आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर के सेटिंग पे आपको सिंपली विज़िट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप्स का, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओवर एनी नेटवर्क सिलेक्ट होगा। आपको चेंजेस को सेटिंग करना है और यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे सिलेक्ट करके डन कर देना है। इस चेंजेस को अप्लाई करने का बेनिफिट ये है कि जो भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है वो विदाउट आपके परमिशन के यहाँ पे अपडेट नहीं होगी। देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी एप्लीकेशन अपडेट होगी तो वो सीधी सी बात है वो एप्लीकेशन उतना डेटा लोड करेगा, और जितना ज़्यादा डेटा लोड करेगा सिंपल सी बात है कि आपके आपके जो मोबाइल की रैम है वो उसका परफॉर्मेंस वो इतना रैम कंज्यूम करेगी वो एप्लीकेशन। तो सिंपल सी बात है अगर इसमें तो फिर रैम का ज़्यादा कंज्यूम होगा, और जितना ज़्यादा यहाँ पे रैम कंज्यूम होगा तो नॉर्मल से बात है जैसे आपको बताया मैंने कि आपका मोबाइल यहाँ पे धीरे धीरे हैंग होने लगेगा, प्रॉपर क्विकली परफॉर्मेंस आपको बेटर नहीं मिलेगा और ओवरऑल आपके एंड्रॉयड वॉल का जो स्पीड अप है वो यहाँ पे लो होगा। तो ऐसे केसेस में आपको इस सेटिंग को अप्लाई करना है जिससे ये जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है आपका जो रैम है वो स्टेबल रहेगा और इसी तरीके से आपके एंड्रॉयड मोबाइल का जो स्पीड है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, यहाँ पे लो डाउन नहीं होगा। तो ये जो 3 सेटिंग मैंने आपको बताए हैं ये 3 एक मेजर सेटिंग है जिसको आपको चेंजेस करना है अगर आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एक अच्छा खासा स्पीड अप चाहिए तो। दैट्स इट। तो इसी तरीके से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को एक अच्छा खासा स्पीड अप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।